नमस्कार दोस्तों, एक बजे की क्लास में ज़्यादातर हम इंग्लिश के ही टॉपिक लेते हैं और अभी तक जो है आपको एडियम एंड फ्रेजेस के चार पार्ट मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये वोकैब है, इसके अंदर लगभग हम जो है 50 वर्ड कवर करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इनके लगभग तीन सवाल आपको लगभग मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि वर्डों को आपको इस तरीके से बताया जाए जिससे कि आपको लंबे समय तक याद हो पाएँ। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्लेज। देखिए, एब्लेज का मतलब होता है प्रकाश में या प्रज्वलित करना। जैसे कि कोई आपने देखा होगा मशाल, है ना, जो ओलंपिक के लिए जो मशाल वगैरह जलाई जाती है उसमें जो प्रकाशमय करता है या प्रज्वलित करता है, तो उसके सेंस में आप एब्लेज को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर ए के वर्ड रहेंगे, ए वाले, और इसी तरीके से जो है आपको और भी वर्ड कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगला है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का त्याग करना, जैसे मान लीजिए अपने सिंहासन का, अपनी प्रॉपर्टी का, या किसी भी तरीके से जो है त्याग से रिलेटेड हो, तो एब्निगेशन। नेक्स्ट है दोस्तों एब ओरिजिनल। देखिए, ओरिजिनल क्या है, ए बी लगा दिया है। ओरिजिनल तो वैसे वास्तविक होता है, मगर एब ओरिजिनल का मतलब होता है प्राचीन, जिसे इंग्लिश में दूसरा एक और वर्ड है जिसे कहते हैं एंटीक, है ना। एंटीक जो है अनोखा भी बोला जाता है, प्राचीन के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एब्रेड, ए बी आर ए डी ई। एब्रेड का मतलब होता है खुरचना। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है रिचार्ज को अपग्रेड करो, ये सिर्फ खुरचना है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले जो रिचार्ज कराए जाते थे मोबाइल के अंदर, तो एक स्क्रैच कार्ड मिलता था, उसे खुरचा जाता था, है ना। तो मैंने उसी सेंस में याद करने के लिए लिख दिया था उस समय पर कि एब्रेड का मतलब होता है खुरचना। नेक्स्ट होता है दोस्तों एब्रिज। एब्रिज तो बहुत ही आसान है, जैसे संक्षिप्त करना। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज क्या करता है, दो चीज़ों के बीच में जो है रास्ता को कम कर देता है ना। ब्रिज दो नदी के ऊपर से बना दिया मान लीजिए, तो जो रास्ता घूम के था वो छोटा हो गया। तो एब्रिज का मतलब संक्षिप्त करना या छोटा करना। एक ऐसी ट्रिक बता दिए ताकि जिन लोगों को ना पता हो ये वर्ड उन्हें याद रहे। नेक्स्ट दोस्तों एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है किसी आज्ञा या नियम को रद्द कर देना। इसके लिए अगर दूसरा वर्ड कहा जाए तो एक रिपील भी है। रिपील कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में किया जाता है, जब किसी आर्टिकल वगैरह को जो है या नियम को रद्द कर दिया जाता है तो उसे रिपील भी कहते हैं, और जो यहाँ पर वर्ड है उसका मतलब है एब्रोगेट। नेक्स्ट दोस्तों एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है उतावला, उतावलापन, जिसे हर किसी के दिमाग में किसी ना किसी चीज़ के लिए उतावलापन रहता है। जैसे कि जब तक परीक्षा नहीं हो जा रही कि एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी तो फिर एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये एक तरीके का उतावलापन है, तो ये एब्रप्ट कहलाता है। एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, है ना। जैसे घर छोड़ के कोई भाग गया, एब्सकॉन्डिंग पर्सन कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था, चोर पुलिस को देखते ही एब्सकॉन्ड हो गए, है ना, तो भाग गए। नेक्स्ट दोस्तों एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब पाप से मुक्ति। कई लोग होते हैं, मान लीजिए पता चला उन्हें पाप हो गया है उनसे, तो उसका प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो करते क्यों हैं, कि उन्हें पाप से मुक्ति मिले, तो इसके लिए एब्सोल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब परहेज करना या रिफ्रेन भी होता है, वो भी एक तरीके का परहेज करना ही होता है। एब्सटेन या रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम, है ना, उसमें लगाया जाता है। और दोस्तों हर वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको 2 से 3 सवाल भी मिलने वाले हैं, तो आप प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ कौन सी आती है ये जरूर पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट है दोस्तों अपसर्ड, ए बी एस यू आर डी। अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका या फिर रेडिकुलस भी बोल सकते हैं, असंगत, हास्यप्रद। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों एवुडेंट। एवुडेंट का मतलब है काफ़ी से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए किसी के पास जितनी चीज़ें नेसेसरी हैं उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे में उस जो वर्ड होगा वो होगा एवुडेंट, या फिर एवुडेंस बोले, पर्याप्त से भी अधिक, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों अकोस्ट। अकोस्ट का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अभिवादन करेंगे, ये सब, तो अकोस्ट। वैसे देखिए कोस्ट का मतलब तो कीमत होता है, मगर जब एसी लग जाता है अकोस्ट, इसका सेंस चेंज हो जाता है, ये हो जाता है अभिवादन। फिर
नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेंट। एक्वेंट मतलब परिचय कराना, जैसे कि मान लीजिए कोई नया फ्रेंड है, आप अपने ग्रुप पे उसे ले जाकर उसका परिचय कराएंगे, तो एक्वेंट है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एडमोनिश। एडमोनिश अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चेतावनी, वार्न करना, ठीक है। एडमोनिश का मतलब सेंस आ गया होगा कि मैं तुम्हें एडमोनिश देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है दोस्तों एग्लोमीरेट। एग्लोमीरेट काफ़ी अच्छा है और इसके आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा यूनिक है। एग्लोमीरेट का मतलब होता है एकत्रित करना, कोई भी चीज़ है आपको कोई समाचार या सूचना या इस तरीके कोई भी चीज़ एकत्रित करनी है या कोई सामान हो, तो ऐसे में आएगा एग्लोमीरेट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्कोव। एल्कोव का मतलब है नाखुश। आप एल्कोहल से ले सकते हैं इसे थोड़ा सेंस लगाने के लिए, कि एल्कोहल पीने वाले से लोग नाखुश रहते हैं यार, क्योंकि पीने के बाद कुछ ही बकने लगता है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एले। एले का मतलब होता है शांत करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मैंने एक राइट ब्रेन से याद करने के लिए एक ट्रेनिंग ली थी, उसके अंदर दोस्तों हमें यह सिखाया गया था कि आप किसी भी वर्ड को जो है एक स्टोरी से जोड़ दो तो वो वर्ड आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है। वो मैं अभी तो नहीं, बाद में आपको बताऊंगा, पहले अभी तो एग्जाम पे फोकस है। तो एले का मतलब होता है शांत करना, जैसे कि उस समय हमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे आपने देखा होगा पंजाबी लोग जो होते हैं वो अगर किसी को कोई चीज़ देनी होती है तो बोलते हैं एले, है ना। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसे शांत कराना है तो उन्होंने खिलौना दे दिया, एले खेल ले, तो शांत कराना, तो इस तरीके से। मगर अभी तो हर वर्ड के लिए मैं आपको ऐसी कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, मगर जो पता है वो आपको बता देता हूँ। एले का मतलब शांत करना, ठीक है, बाद में ये बताएंगे, पहले आपकी ये परीक्षा हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट है अमेन। अमेन का मतलब होता है दोस्तों तुरंत, मतलब इसी समय तुरंत, इसका मतलब होगा इंस्टेंट, है ना, अमेन। नेक्स्ट है दोस्तों अमेंड करना। तो ये अमेंड वर्ड तो ज़्यादातर इस्तेमाल होता ही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट कोई गलत हो जाता है या फिर कोई लेटर हो जाता है उसमें अमेंडमेंट कराना होता है, तो अमेंड का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। इसी तरीके का एक दूसरा वर्ड है जिसका नाम है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, कोई लेटर होता है उसके साथ अपेंडिक्स आते हैं, देखा होगा आपने, तो अपेंड से ही बना है अपेंडिक्स, ठीक है, तो अपेंड मतलब जोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्यूस। PIOUS, प्यूस का मतलब होता है धार्मिक, ऐसा पर्सन जो कि धार्मिक स्वभाव आपका हो उसके लिए प्यूस का इस्तेमाल करेंगे। डिफर का मतलब होता है दोस्तों देर करना या फिर टालना। टालने के लिए एक और वर्ड है अच्छा जो अक्सर पूछा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट मतलब देर करना, और डिफर का भी मतलब होता है देर करना। नेक्स्ट है दोस्तों वाइस। वाइस का मतलब होता है बुराई, या फिर इसका अपोजिट कहेंगे तो वर्चू। वर्चू का उल्टा होता है वाइस। नेक्स्ट है दोस्तों इमेच्योर। देखिए मेच्योर्ड में इम लगा दिया गया, तो इसका मेच्योर का मतलब होता है जो कि मतलब मेच्योर्ड हो, पूरी तरीके से पका हुआ, ये कहें, और सेंसिबल भी कह सकते हैं, मेच्योर्ड पर्सन कहा जाता है ना, तो इमेच्योर का मतलब होता है अपूर्ण या फिर कच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक तो जैसे ऑप्टिमिस्टिक होता है ऑप्टिमिस्ट, वैसे ये पैसिमिस्ट मतलब बुराई देखने वाला, निगेटिविटी देखने वाला हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों नज़रिया ही होता है हमारा कि हम बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ देख सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ में भी बुराई देख सकते हैं। तो अब आपके चश्मा कौन सा लगा हुआ है, पैसिमिस्टिक का है या फिर आप आशावादी हैं, निराशावादी। नेक्स्ट है दोस्तों स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। कंजूस के तो काफ़ी वर्ड होते हैं, माइजर भी कंजूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टिंगी भी उसी में ही है। नेक्स्ट है दोस्तों जेनरस। तो हर एक पर्सन को जेनरस होना ही चाहिए, उदार होना चाहिए, ताकि जो है खासकर अपने से कमज़ोर के लिए जो है इस तरीके के भाव जरूर होने चाहिए। लोग जो है अपने से कमज़ोर को ही दबाना चाहते हैं, उसके प्रति कोई उदार भाव नहीं होता, तो जेनरस इज़ अ उदार। नेक्स्ट है दोस्तों बैरन। बैरन का मतलब होता है निष्फल, या फिर बैरन उसके लिए भी, ज़मीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर कुछ भी ना उगता हो, है ना, फ्रूटलेस, सूखापन, बंजर, ये सब चीज़ जो है उसके लिए होगा। और इसका उल्टा हो गया फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उर्वरक, जैसे ज़मीन की उर्वरक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है किसी किसी की, तो वहाँ पर फर्टाइल। नेक्स्ट है दोस्तों रिटालिएट। रिटालिएट मतलब जैसे को तैसा, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ जो किया उल्टा आपने भी उसके साथ वो कर लिया, तो आपने क्या किया, रिटेलिएशन, है ना, रिटेलिएट मतलब उससे बदला ले लिया। नेक्स्ट है दोस्तों कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, जैसे आपने अक्सर कोर्ट के सेंस में सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया आपने, तो कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार कर दिया, उसका सम्मान कर दिया जिसकी एक सज़ा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिफ्यूजली। प्रिफ्यूजली का मतलब बहुलता से, मतलब काफ़ी मात्रा में, है ना, जैसे ऊपर भी एक वर्ड आया था प्रिफ्यूजली का, जैसे कि इनफ कहेंगे प्रिफ्यूजली, वो भी है कि पर्याप्त से अधिक, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों प्रीटेंड। प्रीटेंड मतलब बहाना बनाना। ये अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हमेशा बहाना बनाते रहते हैं किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम क्लियर ना करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। मगर अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो बहाना नहीं बनाना है, जो कमी रह गई है उस पर सुधार करें और आगे से फिर तैयारी करें। नेक्स्ट है दोस्तों मॉक। मॉक का मतलब होता है चिढ़ाना। अब आपने देखा होगा कि कई बार मॉक टेस्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मॉक टेस्ट देते हैं पेपर से पहले, तो वो भी एक दूसरे को चढ़ा ही रहे होते हैं हम कि मेरे नंबर तुमसे ज़्यादा आ गए, तुम्हारे कम आ गए, तो ऐसे मॉकरी करते हैं। मॉक तो मतलब ऐसे लिटरल मीनिंग चढ़ाना ही है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेंट। एक्वेंट मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वो परिचय कराना, जैसे मित्र वगैरह का एग्जाम्पल देके बताया था उसमें। नेक्स्ट है दोस्तों एक्वायर। एक्वायर भी परिचय कराना, दोनों लगभग सेम ही सेम मीनिंग है इसके। अल्टर का मतलब होता है दोस्तों भिन्न करना, चेंज करना। जैसे कि मैं जिम के बारे में बताता हूँ, जिम में मैं जब एक्सरसाइज करने जाता था तो वहाँ पर कई लोग पूछते थे कि भैया हमसे ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही, इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? तो अल्टरनेटिव मतलब इसका कोई दूसरा उपाय है, चेंज है क्या, हम ये नहीं करना चाहते, इसके बदले कोई और एक्सरसाइज हो जाए। तो वहाँ पर उस सेंस में भी ले सकते हैं अल्टरनेटिव, अल्टर से ही बना है अल्टरनेटिव, भिन्न करना। नेक्स्ट दोस्तों फोरकास्ट या फोरसाइट, ये दोनों ही वर्ड हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। जैसे कई देखे होंगे कई कुछ चीज़ों का अनुमान हमें पहले ही लगने लगता है यार कि हाँ पेपर अच्छा हो गया है अब शायद सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कभी कभी फॉर्म देखते ही लगता है हाँ यार इस बार सिलेक्शन में ले लूँगा, तो एक तरीके से पूर्व अनुमान लगा रहे हैं। और फोरसाइट का मतलब होता है अग्रदृष्टि। ये मान लीजिए कोई ऐसा ऋषि मुनि वगैरह है या फिर कोई भी ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बन गया जिससे कि हम आगे का देख सकते हैं, तो अग्रदृष्टि, या फिर इस सेंस में भी ले सकते हैं कि हाँ वो विजनरी है पर्सन, है ना, आगे की सोच के चलता है, फोरसाइट। नेक्स्ट है दोस्तों डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब ढाना। ये आपको याद होगा, ये उस समय पर इस वर्ड का प्रयोग ज़्यादा हुआ था जब बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, तो वो डिमोलिश किया गया था, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जेनाइल। जेनियल, जेनियल का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, मतलब जो एकदम जो खुश हो, जिसका मन मस्तिष्क है, ऐसा नहीं है ऊपर से ही, अंदर से पूरा खुश हो तो उसे जेनियल पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हिंडर। हिंडर का मतलब बाधा डालना। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम तैयारी करते हैं कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं, मगर हमें उन बाधाओं को पार करते हुए आगे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है राज़ी करना किसी को भी किसी काम के लिए। जैसे मान लीजिए मैं ही आप लोगों को राज़ी कर रहा हूँ कि हाँ भाई पढ़ाई किया करो, करो करो, मगर कुछ लोग तो पहले से ही राज़ी हैं, कर ही रहे हैं अच्छे से। जिनका मन नहीं है उनका देखिए सुबह मोटिवेशन के वीडियो डाले जाते हैं जिससे कि और आपका मन लगता रहे पढ़ाई में। नेक्स्ट है दोस्तों प्लाउसिबल। प्लाउसिबल का मतलब होता है विश्वासपात्र। कोई ना कोई, हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन होता है जो कि विश्वासपात्र होता है, अपने दुख वगैरह जाकर उससे पर्सन करता है, तो प्लाउसिबल पर्सन कहेंगे ऐसे। इनक्रेडिबल तो नहीं, क्रेडिबल कह सकते हैं, विश्वसनीय, तो क्रेडिबल भी आएगा। एक मूवी आई थी इनक्रेडिबल हल्क, उसका मतलब था अविश्वसनीय हल्क, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेलिटी। फ्रेल का मतलब ही कमज़ोर से होता है, तो फ्रेलिटी का मतलब ये एडजेक्टिव बन गया, तो ये बन गया कमजोरी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता से, देखते हैं जैसे कि आपकी तैयारी है उसमें इंटेंसिटी दिखनी चाहिए, मतलब लगे कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आखिरी वेहमेंस। वेहमेंस का मतलब होता है प्रचंड। तो ये सारे वर्ड थे, ये हमने लगभग इसके अंदर 50 वर्ड कवर किए होंगे। और दोस्तों ये आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, आप इसका फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसी तरीके की और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और अब जो है शाम को 8 बजे की लाइव क्लास होगी, वो होगी दोस्तों हिस्ट्री की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो हिस्ट्री की ये क्लास होने वाली है। आप अच्छे तैयारी करके आएँ, सारी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री में, चाहे वो मॉडर्न इंडिया के हों, चाहे मिडाइवल के हों, या एंशियंट के हों, ठीक है, तो आप तैयार होकर आइएगा। और दोस्तों जित हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, वैसे कम शेयर किया जाता है पढ़ाई की वीडियो को, मगर अगर हो, अगर आप मेरे कार्य को सराहना चाहते हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।